सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DSE और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1,00,000 स्टूडेंट्स को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें, बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विथ इंस्पायर अवार्ड्स मानक। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आइए बच्चों, हम अब पाठ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं संसाधन नियोजन की। ठीक है, नियोजन यानी कि प्लानिंग। शायद नियोजन शब्द आप नहीं समझ पाए, लेकिन प्लानिंग शब्द से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित है ना। चलिए, तो हम आज बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की, संसाधन नियोजन की। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में प्लानिंग शब्द से भली भांति परिचित है। क्यों? क्योंकि हम रोज दिन प्लानिंग बनाते हैं। किसी दिन घूमने की प्लानिंग, किसी दिन पढ़ने की प्लानिंग बनती है हमारी, किसी दिन सिनेमा जाने की, किसी दिन शॉपिंग करने की, बाजार जाने की प्लानिंग बनती है। तो हम इस प्लानिंग में क्या करते हैं? पहले से हम सोचते हैं, विचारते हैं और एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस काम को कितना समय देना है, किस चीज़ के ऊपर कितना खर्च करना है, वगैरह वगैरह। चलिए बच्चों, अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से एक व्यापक रणनीति बनाकर संसाधनों का उपयोग ही
संसाधन नियोजन कहलाता है। मैं रिपीट करूं, सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से एक व्यापक रणनीति बनाकर संसाधनों का उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। बच्चों, यहाँ आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ सकता है कि आखिर संसाधन नियोजन की ज़रूरत ही क्या है। तो आइए हम एक एक करके इन बातों का भी विश्लेषण करते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं कि किन कारणों से संसाधन नियोजन ज़रूरी है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला कि संसाधन हमारे या किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या यूं कह ले कि सर्वांगीण यानी चौतरफा विकास के लिए आधार स्तंभ होते हैं। चाहे औद्योगिक विकास करना हो तो हमें खनिजों की आवश्यकता पड़ती है, यदि सामाजिक विकास करना हो तो शिक्षा का, स्वास्थ्य सेवाओं का, इस तरह से हमें इनको संसाधन के रूप में विकसित करना होता है। तो आप समझ गए कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और ये उसके लिए आधार स्तंभ का काम करते हैं, इसलिए इनका नियोजित तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। अब हम दूसरे बिंदु पे आते हैं। दूसरा बिंदु जो है वो ये कहता है कि संसाधन सीमित मात्रा में है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, किसी भी संसाधन के बारे में जब आप अपनी किताब में पढ़ेंगे तो ये देखते होंगे कि इस संसाधन का इतना स्टॉक है, अमुक संसाधन का इतना स्टॉक है, यानी उसका रिजर्व, उसकी मात्रा सीमित है। लेकिन संसाधन तो सीमित है, लेकिन हमारी जनसंख्या निरंतर लगातार तेज गति से बढ़ती जा रही है। संसाधन सीमित और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो अब क्या करेंगे। यहाँ पर फिर से एक बार संसाधन नियोजन की ज़रूरत महसूस होती है। तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम इस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, उनके जीवन स्तर को बनाए रखेंगे और दिन प्रतिदिन उसको बेहतर हम कर सकेंगे। तभी संभव है, तभी ऐसा कर पाएंगे जब हम संसाधनों का नियोजित उपयोग कर पाएंगे। तो दूसरा बिंदु भी आपको स्पष्ट हो गया। अब आइए हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं। पूर्व में हमने इतिहास में पढ़ा है कि औपनिवेशिक काल में जो हमारे जिन देशों ने हमारे देश को उपनिवेश बनाया, औपनिवेशिक काल में उन्होंने क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए हमारे संसाधनों का अंधाधुंध आंख बंद करके बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे संसाधन तो समाप्त हो गए, कुछ ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए। उदाहरण में यदि हम ले तो हम जानते हैं कि कर्नाटक में एक जगह है कोलार, वहां पर क्या था, बिल्कुल सही आपने कहा, वहां सोने की खदान थी, लेकिन अब वहां से सोना नहीं निकाला जाता है, उसका उत्खनन बंद हो चुका है। क्यों, क्योंकि वहां सोना समाप्त हो गया है, अब वो इतनी गहराई पे है कि आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है, तो इसलिए वो खान बंद कर दिया गया। अभी आप लोग सुन रहे होंगे, आए दिन ये चर्चा आती है कि कोल और पेट्रोलियम, कोयला और खनिज तेल समाप्त होने के कगार पर है और हमें बहुत जल्दी ही इनके वैकल्पिक स्रोतों को खोज निकालना है। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे आजकल पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है सौर्य ऊर्जा के विकास के लिए, वायु पवन ऊर्जा के विकास के लिए। तो ये वैकल्पिक स्रोत क्यों खोजे जा रहे हैं, क्योंकि जिन स्रोतों पर हम अभी तक निर्भर थे वो स्रोत बहुत जल्दी निकट भविष्य में ही वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, पर्यावरण अंधाधुंध संसाधनों के इस्तेमाल से पर्यावरण प्रदूषण की अनेक समस्याएं पैदा हो गई। आज देखते हैं वायु प्रदूषित है, आए दिन आप देखते हैं ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप देखते हैं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर, ऐसा न्यूज़ में आता है। तो ये क्या है, संसाधनों के अंधाधुंध विदोहन, इतनी गाड़ियां चला रहे, इतने कल कारखाने लगा दिया, फसलों को उगा रहे, उनके अवशेषों को जला रहे, इससे कितना तेज प्रदूषण हो रहा है, कितना अधिक मात्रा में हो रहा है, जिससे हमारा अपना जीवन ही खतरा में आ गया है। तो इन सभी चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, भविष्य में ऐसा नहीं हो,
या इसको नियंत्रण में रखा जा सके, इसके लिए भी संसाधन नियोजन बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, अब हम अपने चौथे बिंदु पर आते हैं। ये चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो संसाधन है उनका वितरण बड़ा ही असमान है। जैसे आप उदाहरण से समझ जाएंगे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, वहाँ मरुस्थल है, तो वहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, पवन ऊर्जा बहुत प्रचुर मात्रा में वहाँ उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान में क्या है, जल संसाधन की भारी कमी है। वहाँ बूंद बूंद जल को लोग बहुत सोच समझ के बड़े ही एहतियात के साथ खर्च करते हैं। उसी तरह से हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ क्या है, जल तो प्रचुर मात्रा में है, वन भी घने वन, बहुत ही घने सघन वन, सदाबहार वन वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन वहाँ की समस्या क्या है, वहाँ की समस्या है उसका दुर्गम पहाड़ी इलाके में होना, जिस कारण अरुणाचल प्रदेश का भी विकास नहीं हो पाया है जितना वहाँ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी तो भरपूर है, चूँकि ये गंगा के मैदानी इलाकों में आता है। लेकिन यहाँ की समस्या है यहाँ आने वाली बाढ़। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में आए दिन न्यूज़ में हम सुनते हैं, जब मानसून का मौसम आता है तो नदियाँ भयंकर बाढ़ लाती है। और बिहार में तो कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक। बच्चों, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी धात्विक खनिज हैं और कोयला है, वो कहाँ है, वो दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग में है। तो इस तरह से संसाधनों का असमान वितरण जो है विकास की राह में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, संसाधनों के नियोजन के द्वारा। आइए बच्चों, हम ये देखते हैं कि कैसे इन चुनौतियों को हमने पूर्व में संसाधन नियोजन के द्वारा दूर किया है। आइए बच्चों, भारत के मानचित्र की सहायता से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन क्षेत्रों में संसाधन नियोजन के द्वारा समस्याओं का निराकरण किया गया। इसके लिए हम चलते हैं यहाँ, ये आप देख पा रहे हैं, ये सतलज नदी है, यहाँ पर गोविंद सागर झील। यहाँ से आप देखेंगे तो एक पतली नीली रेखा आपको दिख रही होगी, ये नीली रेखा है यहाँ से निकली हुई नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कनाल, यानी इंदिरा गांधी नहर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हिमाचल प्रदेश से ये पानी कहाँ पहुँचा, राजस्थान। और मैं अभी चर्चा के क्रम में आपको बता रही थी कि यहाँ जल सबसे बड़ी चुनौती थी, तो इस नहर के द्वारा इस पानी को यहाँ पहुँचाया गया और आज की तारीख में ये इलाका एक हरा भरा खेती से भरा हुआ प्रदेश बन चुका है। बच्चों, अब दूसरे क्षेत्र की चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया था कोसी नदी के बारे में, उसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक। ये रहा हमारा राज्य बिहार, आप पढ़ पा रहे हैं इसको, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है कोसी नदी। यहाँ पर भी बांध बनाकर कोसी नदी से आने वाले बाढ़ से उत्तरी बिहार के इस इलाके को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। तो बच्चों, अब तक हमने संसाधन नियोजन के चार बिंदुओं पर चर्चा कर लिया। ये बताते हुए हमने चर्चा किया कि क्यों नियोजन आवश्यक है। अब हम आते हैं पांचवें बिंदु पर। पांचवा बिंदु ये है कि राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए, समायोजन एडजस्टमेंट, संतुलन बैलेंस के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है, यानी संसाधन नियोजन बेहद जरूरी है। तो इन पांच बिंदुओं को आप पुस्तक में पढ़ेंगे, पढ़ करके आपको और अच्छी तरह से ये बिंदुएं समझ में आ जाएंगी, और आपको साथ ही साथ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है। नमस्कार,
आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के छठी से दसवीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1,00,000 छात्रों को 10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। बच्चों, हम अपनी पाठ चर्चा को अब और भी आगे बढ़ाते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि संसाधन नियोजन भारत में किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आप संसाधन नियोजन क्या होता है ये तो समझ चुके हैं, लेकिन अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि संसाधन नियोजन भारत में किस प्रकार से आखिर किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में प्लानिंग के लिए हमने सबसे पहले 1950 में आज़ादी के तुरंत बाद किस संस्था का गठन किया गया था? हाँ, बिल्कुल सही, योजना आयोग का। लेकिन अब ये योजना आयोग नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, अब इसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग नाम है। और ये कब बना? ये बना 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो इसी नीति आयोग, आप देखेंगे अभी फरवरी मार्च के महीने जब आएगा तो उस समय देखेंगे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को नीति आयोग में बुलाया जाता है, उनके साथ विचार विमर्श चर्चा होती है, विचार विमर्श किया जाता है कि वो अपने राज्य के लिए आखिर किस प्रकार के विकास की उम्मीद रखते हैं, किस प्रकार के विकास चाहते हैं, और फिर उसी अनुसार बजट में प्रस्ताव पारित किया जाता है, पैसे निकाल दिए जाते हैं और फिर संबंधित राज्य या पूरे देश में उसके अनुरूप विकास का कार्य होता है। ठीक है, तो ये जो संसाधन नियोजन की प्रक्रिया हमारे देश में है ये एक बहुत ही
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया होती है और जो कि अलग अलग चरणों में हम इसको पूरा करते हैं। तो हम भी अपने चर्चा के दौरान एक एक करके इन चरणों पर चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला चरण संसाधन नियोजन का जो है वो होता है सर्वे का, सर्वे यानी सर्वेक्षण का, ठीक है। आप अपने गांव में भी देखते होंगे कभी भूमि का सर्वेक्षण, अभी कुछ दिनों पहले कहीं कहीं हो चुका है और किन्हीं किन्हीं जगहों पर अभी ये चल रहा है, लैंड सर्वे, भूमि सर्वेक्षण। तो उसमें क्या करते हैं, सर्वे किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है, फिर उससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों के आधार पर एक मानचित्र तैयार किया जाता है ना। आप देखते होंगे कि भूमि, जैसे आप कभी देखे होंगे अपने बुजुर्गों को, जब उन लोगों को खेत जमीन का कोई भी विवाद होता है तो वो लोग एक नक्शा निकालते हैं, उस नक्शे में ये रहता है कि ये किसकी ज़मीन है, ये अमुक की ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो वो नक्शा कैसे आया, वो नक्शा आता है ऐसे ही सर्वेक्षणों के द्वारा, सर्वे के द्वारा। सर्वे किया और उसे बस यूं ही छोड़ दिया, नहीं, हम मानचित्र बनाते हैं और उसका गुणात्मक और मात्रात्मक यानी संसाधन के गुण के बारे में कि किस तरह का, किस किस्म का, किस क्वालिटी का संसाधन है और कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसका भी हम आकलन करते हैं। और बच्चों सर्वे के दौरान आप जो अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इन टूल्स का, इन औजारों का इस्तेमाल करते हुए भी आपने देखा होगा, कोई औजार डंपी लेबल, कोई औजार रेंजिंग रॉड, और आजकल तो आप देख रहे होंगे कि सर्वे में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल होने लगा है। बच्चों ये तो हो गई पहले चरण की बात, अब आते हैं दूसरे चरण में। संसाधन नियोजन के दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में जैसा कि आपको वो त्रिभुज याद होगा, दूसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी जो उपयोग किया जाएगा संसाधन के दोहन में, उस प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थाओं की भूमिका यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके गांव में अभी नाली बन रहा होगा या सड़कें बन रही होंगी, तो पहले तो इन सड़कों और नालियों के लिए कि नाली किधर किधर से जाएगी, सड़कें कैसे जाएंगी, तो पहले तो इसके लिए सर्वे हुआ। सर्वे के बाद, उसके बाद आप लोग सुनते होंगे कि अमुक संस्था को या अमुक व्यक्ति को ठेका दे दिया गया है, वो बनवाएगा नाली, ये संस्था बनवाएगी सड़क। तो इस तरह से ये दूसरे स्टेज की बात होती है रिसोर्स प्लानिंग में, संसाधन नियोजन में, समझ गए। चलिए अब तीसरे चरण पे होते हैं हम लोग आते हैं, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए आप कोई काम करते हैं और हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको और आप किसी और काम में लगे, आप अपने ट्यूशन का, कोचिंग का होमवर्क बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोग जिस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं वो तो पूरी तरह से ना आप समझ पाएंगे ना मेरे समझाने का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो फिर क्या हुआ, इस तरह से तीसरा चरण जो संसाधन नियोजन का होता है वो समन्वय स्थापित करने का होता है, यानी जो काम संसाधन विकास का होना है वही राष्ट्रीय विकास की योजना भी उसी से संबंधित बनाई जाए और दोनों योजनाओं के बीच तालमेल रखा जाए, दोनों योजनाओं को जोड़ा जाए। उससे क्या होगा, विकास का जो भी हमारा लक्ष्य होगा, वो लक्ष्य, सही कहा आपने, वो लक्ष्य हम तेजी से पूरा कर पाएंगे और तब हमारा संसाधन नियोजन जो है वो, रिसोर्स प्लानिंग की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल पूरी हो जाती है। बच्चों अब हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण की। हम इतना ज़रूर जान चुके हैं कि संसाधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इस वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने चर्चा किया कि जब मनुष्य आया धरती पर उससे बहुत पहले से ये सारे संसाधन धरती पर उपलब्ध थे, लेकिन उन लोगों ने इसका या तो उपयोग नहीं किया या इतनी मितव्ययिता से, इतनी समझदारी से इसका इस्तेमाल किया कि वो संसाधन आज भी हमारे उपयोग के लिए प्रचुर मात्रा में छोड़ गए। अब ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस संसाधन का अपने उपयोग करके सिर्फ ख़त्म ना कर दें, बल्कि क्या करें, हाँ, इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, उनके इस्तेमाल के लिए भी छोड़ के जाए। ये कोई मतलब थोड़ी हुआ कि हमें मिला और हम बस पूरा इतना गंदा कर दे जल को, इतना भूमि की उर्वरता को समाप्त कर दे कि आने वाली पीढ़ियाँ उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, ये तो गलत बात है, ऐसा हमें नहीं करना है। और जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इसे ही हम क्या कहेंगे, हाँ, इसे हम कहेंगे संसाधन संरक्षण। आप जैसे, आप देखिए आपके घर की अपनी बात कर लीजिए, आपके घर में आपका खेत है, ज़मीन है, घर है, ये तो
कई 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 लोग कहेंगे कि हाँ ये मेरे पिताजी ने खरीदा, नहीं बहुत सर ठीक है बिल्कुल सही कि किसी के पिताजी ने खरीदा होगा, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जिनको दादाजी ने पिताजी तक स्थानांतरित किया होगा, मतलब वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो संसाधन चले आ रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पूर्वजों ने दुर्भाग्य से या तो ज़मीन बेच दिया या ज़मीन किसी के पास गिरवी रख दी। तो ऐसे परिवारों को आप अपने आसपास में अपने गांव घर में देखते होंगे, जीवन जीने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, या तो उनके घर के बड़ों को बाहर जाके कमाना पड़ता होगा या फिर वो दूसरों की खेतों और ज़मीन में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते होंगे। तो ये परिवार जो दूसरे परिवार की मैं चर्चा करती हूँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने संसाधनों को बचाकर नहीं रखा। वैसी परिस्थिति आई कि उन्होंने अपने संसाधनों को स्वयं ही उपयोग करके समाप्त कर लिया, आगे वाली पीढ़ी को नहीं दिया। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आगे की पीढ़ियां सफ़र करेंगी, वो परेशान होंगी। लेकिन पहले केस में हमने देखा कि उन्होंने अपने ज़मीन को बचा के रखा, तो अभी की पीढ़ी आरामदायक ज़िंदगी जी रही है ना। तो हम इस तरह से देखते हैं भूगोल में, जब संसाधन संरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। इसका उदाहरण आप देखते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या हुआ, वहाँ औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई, ठीक है, और उस औद्योगिक क्रांति में उन्होंने क्या किया, अपने कोयले का भरपूर इस्तेमाल किया। नतीजा क्या हुआ, उनका कोयला समाप्त हो गया। और आज आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड एक विश्व शक्ति के रूप में उसकी शक्ति क्या है, कमज़ोर हो गई है। अमेरिका से तो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, अमेरिका है रूस है ये देश ज़्यादा ताकतवर है बजाय कि इंग्लैंड के, ठीक है। तो आप यहाँ समझ गए कि संसाधन संरक्षण क्या है और संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो हम अपने पाठ्यपुस्तक में जो उद्धृत है उसको हम लोग देख सकते हैं, वो परिभाषा के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हैं कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये प्रश्न भी आप देखेंगे परीक्षा में 2 नंबर का 3 नंबर का ये प्रश्न आता है कि संसाधन संरक्षण से क्या समझते हो, तो वहाँ हमें यही लिखना है कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। बच्चों आपके पाठ्यपुस्तक में आपने देखा होगा एक कथन वहाँ उद्धृत है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। क्या आप बता सकते हैं ये कथन किसका है? हाँ बिल्कुल सही कहा, ये कथन है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ये महात्मा गांधी ने कहा था। और बच्चों महात्मा गांधी के बारे में क्या बातें करें, वो तो खुद में संसाधन संरक्षण की एक जीती जागती मिसाल है। कैसे देखते हैं हम गांधी जी को, आपने देखा होगा गांधी जी बैरिस्टर्स थे पेशे से, लेकिन जब मातृभूमि के दर्द ने उन्हें खींचा तो देखा होगा आपने कि वो बस एक ही धोती पहनते थे और उसी धोती को वो ओढ़ते भी थे, उनको वस्त्र की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। तो ये क्या है, मितव्ययिता से उपयोग ही तो संरक्षण है कि नहीं। और तो और बच्चों गांधी जी, आपने एक और चीज़ को देखा होगा, खादी से गांधी जी को जोड़ते, धोती से गांधी जी को जोड़ते, गांधी जी को चरखे से भी हम जोड़ते हैं। चरखा गांधी जी का एक बहुत ही प्रतीकात्मक स्वरूप है और गांधी जी इस चरखे को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखते थे। गांधी जी का गहरा विश्वास था कि हम जो उत्पादन करते हैं वस्तुओं का, वो उत्पादन मशीनों से ना किया जाए। वो कहते थे, वो बहुत पुरजोर वकालत करते थे कि वो उत्पादन जो हो वो जन समुदाय के द्वारा किया जाए, ताकि उससे क्या होगा, जब जन समुदाय उत्पादन में लगाया जाएगा तो हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, उसमें कौशल का विकास होगा। और हमारे देश में ये जो बेरोजगारी की समस्या आज इतनी विकराल रूप से खड़ी है, ये समस्या कभी भी खड़ी ही नहीं होगी, पैदा ही नहीं लेगी। और यदि हम लोगों के द्वारा यानी मासेस के द्वारा प्रोडक्शन करें तो क्या होगा, संसाधनों का
इतना बड़े पैमाने पर जो अपव्यय होता है, जो दुरुपयोग होता है, उसको भी रोका जा सकेगा। फैक्ट्रियों में, मिलों में बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपयोग होता है, बड़े पैमाने पर फिर तैयार माल होता है, उत्पादित होता है, और फिर उस तैयार माल को बाजार उपलब्ध कराने के लिए आपने इतिहास में पढ़ा है ना क्या हुआ? हाँ, हुआ क्या? उपनिवेशवाद का जन्म हुआ पूरे विश्व में। तो गांधी जी की नीतियों पर यदि हम आज भी चलना शुरू करें तो संसाधन संरक्षण स्वतः हमारे जीवन में आ जाएगा। हम संसाधनों का मितव्ययितापूर्वक इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और गांधी जी की जो विचारधारा थी कि मास प्रोडक्शन की बजाय प्रोडक्शन बाई मासेस, इस अवधारणा को हम अपने जीवन में उतारें तो हम ये भी कर पाएंगे, बेरोजगारी की समस्या दूर कर लेंगे। बच्चों, यहाँ आप अपने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। हाँ, इन तस्वीरों में से दो तस्वीरें तो आप ज़रूर पहचानेंगे। जी हाँ, एक तस्वीर है श्रीमती मेधा पाटेकर जी का, और वो जुड़ी हैं किससे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और दूसरी तस्वीर है सुंदरलाल बहुगुणा जी की, और इनका संबंध है, हाँ, वन संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया चिपको आंदोलन के द्वारा। तीसरी तस्वीर जिसे आप नहीं पहचान पा रहे हैं, ये तस्वीर है संदीप पांडे की, और इनका संबंध है वर्षा जल संचयन और कृषि भूमि के विस्तार के संबंध में। तो इन तीनों लोगों ने संसाधन संरक्षण की दिशा में भारत के अंदर बहुत ही सराहनीय प्रयास किया। बच्चों, आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब और किस प्रकार के प्रयास किए गए, एक एक करके हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर अभी ये एक देख रहे हैं, एक ये लोगो है। ये लोगो वस्तुतः है एक एनजीओ का, और इस एनजीओ का नाम, जी हाँ बिल्कुल, क्लब ऑफ रोम। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, और इस संस्था ने ही सबसे पहले बड़े ही व्यवस्थित तरीके से
विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण की बात की थी, इसलिए जब भी संसाधन संरक्षण की बात आती है तब क्लब ऑफ रोम की चर्चा ज़रूर होती है। आज इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिख के पास एक जगह है विंटरथर, वहीं पर आज इस संस्था का मुख्यालय है। लेकिन जब स्थापना हुई थी तब ये इटली के रोम शहर में, और इसीलिए इसका नाम था क्लब ऑफ रोम। ठीक है, चलिए दूसरा जो आप देख रहे हैं, दूसरा ये अभी आपके स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है, ये एक किताब का कवर पेज है। ठीक है, मुख्य जो पृष्ठ होती है किताब की, ये मुख्य पृष्ठ है किताब का, और इसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस किताब का प्रकाशन 1973-74 में हुआ था, और इसके जो लेखक थे वो जर्मनी में जन्मे एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, और उनका नाम था E.F. शुमाकर। ठीक है, और इस किताब में, जैसा कि इसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस किताब में उन्होंने बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके, प्रभावशाली तरीके से उन्होंने चर्चा की है कि जो छोटा होता है वही सुंदर होता है, यानी संसाधनों के मितव्ययिता में ही हमारी भलाई है। क्योंकि उस समय एक अवधारणा बड़ी प्रचलित थी, बहुत पॉपुलर थी, कि बिग इज बेटर। यानी आज भी देखते हैं ना, कभी कभी हमारे आता है कि बच्चों को देंगे बड़ा है वही अच्छा है, बच्चा जो है वो कोई भी चीज़ बड़ा चूज़ करेगा। तो उस समय भी लोगों के बीच में ये था कि जो बड़ा है वही अच्छा है, लेकिन उस प्रचलित अवधारणा के विपरीत E.F. शुमाकर ने अपने इस किताब के माध्यम से, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, संसाधनों के मितव्ययी उपयोग यानी संरक्षण की बात को बड़े ही अच्छे तरीके से पेश किया। और इनके ये विचार, यानी शुमाकर जी के ये विचार, हमारे देश में गांधी जी ने जो संसाधनों के मितव्ययिता के प्रति सजगता जागरूक की, उससे काफ़ी मेल खाते हैं। ठीक है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में जिस अगले बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है 1987 में प्रस्तुत ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने तो मानो पूरे विश्व में संसाधन संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व जागृति पैदा कर दी, और इसी रिपोर्ट को आगे चलकर हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक प्रकाशित भी किया गया। और इस रिपोर्ट ने विकास की एक नवीन अवधारणा को जन्म दिया। आप इस किताब का जो रिपोर्ट है उसका यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लोगों के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आवर कॉमन फ्यूचर, ब्रंटलैंड कमीशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस रिपोर्ट ने विकास के जिस नवीन अवधारणा को, जिस नवीन संकल्पना को जन्म दिया, उसे कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी वैसा डेवलपमेंट, वैसा विकास जिसे सस्टेन किया जा सके, जिसे हम बनाए रख सकते हों। बच्चों, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़रा हम समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न में एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि सतत विकास की अवधारणा की परिकल्पना क्या थी, ये अवधारणा क्या थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आपके गांव घर के आसपास की कहानी होगी, और इसमें मैं दो युवकों की चर्चा करती हूँ। पहला युवक का नाम हम लोग रख देते हैं ए, और दूसरे युवक का नाम रख देते हैं बी, अपनी समझ के लिए। ठीक है, तो एक युवक ए जो है वो कहीं बाहर से, देखते हैं हमारे गांव घर में ऐसा होता है कि लड़के जो हैं जिस वर्किंग एज ग्रुप के, 18 से अधिक आयु वर्ग के, वो प्रायः गाँव से बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो युवक ए जो है वो भी गांव से बाहर जाता है, और जब पैसे कमा करके गांव में आता है तो उसके जीवन शैली में आपको अचानक से एक बदलाव नज़र आएगा। वो एकदम से देखिएगा फ़ोन लेगा, कान में अच्छा सा हेडफोन लगाएगा, जीवन शैली उसकी रोज़ बाज़ार जाएगा, थोड़ा अच्छे तड़क भड़क वाले कपड़े पहनेगा। लेकिन जैसे वो 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना जब गाँव में रहता है और ज्यों ज्यों उसका पैसा समाप्त होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, वो वापस अपनी पुरानी जीवन शैली में आ जाता है। फिर आपको गांव के चौक चौराहे पे बैठ के गप्पे लगाता हुआ अपने एकदम पुराने पैटर्न पे नज़र आएगा। लेकिन उसी जगह पे एक दूसरा युवक है, युवक बी जिसे हमने नाम दिया था, युवक बी भी एक ही भांति ही गांव से शहर कमाने गया होता है, वो भी पैसे कमा के वापस लौटता है। लेकिन ये जो लड़का बी होता है ये थोड़ा
विवेकशील होता है, ये थोड़ा बुद्धिमान होता है। ये क्या करता है, जब घर आता है तो देखता है कि अच्छा मेरा छोटा भाई पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, दिन भर इधर उधर घूमते रहता है, चलो इसको छोटा मोटा कोई दुकान खोलवा देता है। ठीक है, घर में देखता है कि औरतें जो हैं वो खाली समय जब रहता है तो बस काम किया उसके बाद थोड़ा गप में समय व्यतीत करती हैं, तो सोचता है अच्छा चलो घर में क्या करते हैं, एक भैंस गाय इस तरह से जो भी है वो खरीद देता है। नतीजतन क्या होता है, उसका भाई जो इधर उधर बैठा चलता था वो कुछ पैसे कमाने लगता है, उसका अपना रोज़गार बढ़ाने का प्रयास करता है। घर में जो उसके गाय और भैंस आ जाती है उससे क्या होता है, एक अतिरिक्त आमदनी घर में आने लगती है, नतीजतन उसके जीवन शैली में सुधार होने लगता है। तो क्या आपको लगता है कुछ वर्षों के बाद कौन सा युवक ज़्यादा अच्छा रहेगा उसका परिवार, युवक ए का या युवक बी का, सोचिए। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने, युवक बी का। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको क्या समझाना चाहती हूँ, यानी वैसा विकास कि एक बार नहीं कि बस विकास कर लिया एकदम से और उसके बाद फिर जितने तेजी से विकास किया उतने तेजी से वापस पीछे की तरफ लौट आए, नहीं, इसे हम सतत विकास नहीं कहेंगे। सतत विकास वो हुआ जिसे हमने एक बार जब आगे हम बढ़े तो उसको हम फिर धीरे धीरे उस स्तर को बनाए रखे, उसे हम ऊपर की तरफ आगे की तरफ विकास करें, उससे वापस लौटने की बात नहीं आती है। तो इसी अवधारणा को, संसाधनों का उपयोग हम इस प्रकार करें कि किसी भी देश का, राष्ट्र का निरंतर आगे विकास होता रहे, उससे वर्तमान में जो विकास का हम पेस, जो हम गति बनाए, उस गति को, उस विकास के स्तर को हम आगे आने वाले वर्षों में भी बनाए रख सके, तो हम वैसे ही विकास को कहेंगे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आइए बच्चों, चूंकि ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो हम इसको इसकी परिभाषा को सही तरीके से लिख लेते हैं। आप अपने पाठ्यपुस्तक में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको पेज नंबर 10 में ऐसी चर्चा मिल जाएगी कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है। ठीक है, और इससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो यदि आपको लिखने के लिए आता है तो आप संकल्पना समझ गए कि सतत विकास क्या है, और परिभाषा के रूप में आपको यही लिखना है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी अवधारणा ही सतत विकास कही जाती है, इससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे, कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे, हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, अच्छा? कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए सर, चलिए चलो चलो। हाँ हाँ चलिए, हाँ हाँ मिठा लेते हैं। आइए ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिकम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और यह क्या है? पेड़। यानी के तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी
फूल पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर, ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा है, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार, आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1,00,000 छात्रों को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है।
टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।